हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर EMRS के इंग्लिश TGT PGT के MCQs की प्रैक्टिस चल रही है। ये MCQs हम EMRS के सिलेबस में जितने भी राइटर मेंशन हैं उन सभी राइटर्स को ध्यान में रखकर कर रहे हैं और एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग में ये MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा। अभी हमारा जो राइटर चल रहे हैं उनका नाम है वॉल्ट विटमैन। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हम कर रहे हैं, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पे जितने भी MCQs हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वीडियो का। व्हेन लिलाक लास्ट दी टोलयार्ड ब्लूम्ड इज अ पोएम रिटन बाय। देखिए, ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है ये पूछा जा रहा है। व्हेन, ये पोएम का कंप्लीट नाम है यहीं से, व्हेन लिलाक लास्ट इज द डोरयार्ड ब्लूम्ड। ठीक है, ये कंप्लीट नेम है ऑफ द पोएम, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन या फिर लैंगस्टोन ह्यूज। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड इज व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ व्हेन लिलाक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। तो ये जो पर्टिकुलर वर्क है व्हेन लिलाक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, इसका सब्जेक्ट क्या है? यह कह सकते हैं कि इसकी बेसिकली थीम क्या है, किस पर बेस्ड है? डेथ, लव, नेचर, पॉलिटिक्स। सोचिए, आंसर कीजिए। और हाँ, आज की वीडियो कम्प्लीटली इसी वर्क पे डेडिकेटेड है, इसी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वर्क के उनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, तो देखिए राइट, इसका जो राइट आंसर होगा वो है डेथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड इज व्हाट इवेंट डज द पोएम मॉर्न। तो यहाँ पर ये जो पोएम है व्हेन लिलाक द डोरयार्ड ब्लूम्ड, इसमें ये किस चीज़ पे मॉर्न किया जा रहा है, किस चीज़ पे दुख व्यक्त किया जा रहा है? व्हाट इवेंट डज द पोएम मॉर्न, कौन से इवेंट पे? ऑप्शन है द असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन, द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक, द बॉम्बिंग ऑफ पर्ल हार्बर या फिर द सेप्टेम्बर 11 अटैक्स। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, अब तक आप ये समझ गए होंगे कि ये पोएम कैसी है। पोएम एक इलेजी टाइप है, ठीक है, किसी की मृत्यु पर, इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो मृत्यु है, किसी की मृत्यु पर ये लिखी गई है। और किसकी मृत्यु पर, किस चीज़ के लिए दुख व्यक्त किया जा रहा है यहाँ पर? तो दुख व्यक्त किया जाता है द असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन की जो हत्या कर दी गई थी उस पर दुख व्यक्त किया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ इज इन द पोएम What does the lilac represent? तो पोएम के टाइटल में आपने वर्ड देखा लिलाक, इस लिलाक का पर्टिकुलर मीनिंग क्या है? ऑप्शन है स्प्रिंग टाइम, होप, मॉर्निंग, जॉय। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? What does it mean the word lilac? स्प्रिंग टाइम, होप, मॉर्निंग, जॉय। यस, द राइट आंसर इज मॉर्निंग। ठीक है, लिलाक का मतलब ही है दुख व्यक्त करना, मौन करना, मॉर्निंग। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ इज व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द टाइटल ऑफ द पोएम। पोएम के टाइटल में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है? जैसा कि आपने टाइटल देखा, उस टाइटल में पर्टिकुलरली कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? ऑप्शन है मेटाफर, एलिस्ट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, सिंबोलिज्म। सोचिए, आंसर कीजिए।
यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? When lilac last the dooryard bloomed, इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस आपको नजर आती है? तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है मेटाफर. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मेटाफर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिक्स्थ इज हु और व्हाट इज द हर्मिट थ्रस इन द पोएम. देखिए पोएम की एक लाइन में ये वर्ड आता है हर्मिट थ्रस. अब यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन है हर्मिट थ्रस या फिर क्या है हर्मिट ट्रस्ट. हर्मिट थ्रस्ट ऑप्शन है अ बर्ड, अ ट्री, अ पर्सन, अ फ्लावर. हु और व्हाट इज द हर्मिट थ्रस्ट? सोचिए आंसर कीजिए. यस, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? अ बर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेवंथ इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पोएम. पोएम की टोन को कौन सा वर्ड बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करता है? इस पोएम की पर्टिकुलरली टोन कैसी है? आप देख ही चुके हो, समझ चुके हो कि ये एसेसिनेशन पर है अब्राहम लिंकन के, तो किस तरीके की होगी? होपफुल, जॉयफुल, सोम्बर या फिर एंग्री? सोचिए आंसर कीजिए. इस पोएम की टोन कैसी है? पोएम कौन सी पोएम की चर्चा हो रही है यहाँ पर? जो पोएम हमने स्टार्टिंग में देखी, कौन सी? व्हेन लिलाक लास्ट द डोरयार्ड ब्लूम्ड. ओके, इस पोएम की टोन आपको कैसी लगती है? होपफुल है, जॉयफुल है, सोम्बर है या एंग्री है? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है सोम्बर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर एट. व्हेन लिलाक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो यहां पर ये पूछा जा रहा है कि ये पर्टिकुलर जो पोएम है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, इसका जॉनर कैसा है? ऑप्शन है फ्री वर्स, सोनेट, हाइकू या फिर बैलेड. सोचिए आंसर कीजिए. किस फॉर्मेशन में ये पोएम लिखी गई है? फ्री वर्स में है, सोनेट फॉर्म में है, हाइकू फॉर्म में है या फिर बैलेड है? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, सोचिए आंसर कीजिए. यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? फ्री वर्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर नाइन इज हाउ डज द पोएम एंड. पोएम का एंड कैसे होता है? विद अ मैसेज और होप एंड रिडेम्पशन, with a call to action, with an expression of sadness and loss, with a celebration of life. सोचिए आंसर कीजिए. पोएम के एंड में आप देखोगे किस तरीके की फीलिंग्स देखने को हमें मिलती है या क्या होता है पोएम के एंड में. विद अ मैसेज, पोएम के एंड में क्या एक संदेश मिलता है, एक मैसेज मिलता है और उम्मीद मिलती है और रिडेम्पशन. आगे विद अ कॉल टू एक्शन या फिर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस एंड लॉस, विद अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ. सोचिए आंसर कीजिए. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है विद एन यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है विद एन एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस एंड लॉस. ठीक है, एंड भी इसका इसी तरीके के एक्सप्रेशन से होता है, दुख से और लॉस से. लॉस किस चीज का हो रहा है यहां पर? यस, लॉस हो रहा है अब्राहम लिंकन का. ठीक है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस समय पर, उनका मर्डर कर दिया गया था, तो इस लॉस को वो सहन नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने इसी मतलब इसी थीम पर, अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर, एक पोएम और भी लिखी है जो बहुत ही फेमस है. इनफैक्ट एनसीईआरटी की बुक्स में भी मेंशन है वो, तो उसका नाम भी आपको बताना है. ठीक है, चलिए. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेस्टर्न स्टार इन द पोएम. पोएम में आप देखोगे एक लाइन में वेस्टर्न स्टार
का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेस्टर्न स्टार का महत्व क्या है पोएम में। ऑप्शन है, इट सिंबलाइजेज द एंड ऑफ द डे, क्या ये सिंबलाइज करता है दिन के अंत का। इट रिप्रेजेंट्स होप एंड न्यू बिगिनिंग्स, या फिर रिप्रेजेंट करता है उम्मीद और नई शुरुआत को। इट इज़ अ साइन ऑफ अब्राहम लिंकन्स डेथ, या फिर ये एक साइन है, वेस्टर्न स्टार ये एक साइन है अब्राहम लिंकन की मृत्यु का। इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट मीनिंग इन द पोएम, और लास्ट में दिया गया है कि पोएम में इसका कोई भी महत्वपूर्ण मीनिंग अर्थ नहीं है। क्या होगा इसका राइट आंसर, सोचिए आंसर कीजिए। यस, वेस्टर्न स्टार किस चीज को सिग्निफिकेंस सिग्निफाई करता है। यस, क्या होगा यहां पर राइट आंसर, इट इज अ साइन ऑफ अब्राहम लिंकन्स डेथ, अब्राहम लिंकन की मृत्यु का एक चिन्ह है, एक साइन है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 इज द टाइटल ऑफ द पोएम इंक्लूड्स द फ्रेज, पोएम का जो टाइटल है उसमें ये फ्रेज इंक्लूडेड है। फ्रेज क्या है, डोर यार्ड ब्लूम्ड। व्हाट इज डोर यार्ड, डोर यार्ड क्या है, अब ये बताना है यहाँ पर, सोचिए आंसर कीजिए। ऑप्शन आर द एरिया इन फ्रंट ऑफ अ हाउस, डोर यार्ड किसे कहते हैं, एक ऐसा एरिया जो घर के सामने होता है, घर के आगे होता है, आंगन कह सकते हो एक तरीके से। अ टाइप ऑफ फ्लावर, अ स्मॉल गार्डन, या फिर अ टाइप ऑफ बर्ड। तो डोर यार्ड का मीनिंग क्या है, सोचिए आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, यहां पर डोर यार्ड का जो मीनिंग है वो किससे होगा, द एरिया इन फ्रंट ऑफ अ हाउस, एक ऐसा क्षेत्र जो घर के सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ अ हाउस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 इज इन द पोएम व्हाट इज द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड डेथ, तो मृत्यु के लिए या मृत्यु के प्रति स्पीकर का क्या एटीट्यूड है। जैसे कि आप देखते हो इस पोएम में एक पर्टिकुलर स्पीकर है, उसके एटीट्यूड, उसकी विचारधारा के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका क्या एटीट्यूड है मृत्यु की तरफ। ऑप्शन है, फियरफुल, एक्सेप्टिंग, एंग्री, रिजाइंड। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, सोचिए आंसर कीजिए। यस, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है एक्सेप्टिंग, मतलब जो डेथ हुई है अब्राहम लिंकन की वो एक तरीके से उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाद में मौन व्यक्त करने के बाद में उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, तो एटीट्यूड कैसा है, एक्सेप्टिंग वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द पोएम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शंस, तो ये जो पोएम है वो कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, और पोएम का नाम फिर से मैं याद दिला दूं क्या है, व्हेन लीला क्लास्ट द डोर यार्ड ब्लूम्ड। तो ये पोएम कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, 2, 3, 4, 5। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, यहां पर जो राइट आंसर है वो कितना होगा, 4। ठीक है, ये टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 14, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रे ब्राउन बर्ड इन द पोएम। देखिए इस पोएम में जैसे हमने देखा था ना नॉर्थ थ्रस्ट को, ठीक है, उसी तरीके से यहां पर ग्रे ब्राउन का भी मतलब सिग्निफिकेंस है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका क्या महत्व है, इसका जिक्र किया गया है पोएम में इस फ्रेज का, ग्रे ब्राउन बर्ड, तो इसका क्या महत्व है। ऑप्शन है, इट सिंबलाइजेज डेथ, तो जो ये ग्रे ब्राउन बर्ड है ये सिंबलाइज करती है डेथ को। इट रिप्रेजेंट्स होप, इट इज़ अ सिंबल ऑफ मॉर्निंग, या फिर इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट मीनिंग इन द पोएम। तो बताइए किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है ग्रे ब्राउन बर्ड, सोचिए आंसर कीजिए।
यस, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है इट सिंबलाइजेस डेथ। ठीक है, ग्रे ब्राउन आप ब्लैक एंड व्हाइट से समझ सकते हो, डेथ को सिंबलाइज करती है। ओके, ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 15, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइसेस इज यूज इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम। तो ये जो नीचे लाइन है इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है और लाइन कहाँ से है, तो लाइन कौन सी पोएम से है ये भी ध्यान रखना है। वैन लिलाक लास्ट इन दी डोर यार्ड ब्लूम्ड से ये लाइन है। अब लाइन में आपको फिगर ऑफ स्पीच कंफर्म करने के लिए लिटरेरी डिवाइस को आप पता लगाना है। लाइन क्या है, आई मोन्ड एंड यट शैल मोन विद एवर रिटर्निंग स्प्रिंग। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। आई मोन्ड एंड यट शैल मोन विद एवर रिटर्निंग स्प्रिंग। ऑप्शन है एलिटरेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, रेपिटेशन। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो होगा रेपिटेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज 16, वॉट इज दी ओवरऑल थीम ऑफ वेन लिलाक्स लास्ट इन द डोरियार्ड ब्लूम। तो ये जो पोएम है इसकी ओवरऑल थीम क्या है। वैसे तो आप जान ही चुके हो क्या है, असैसिनेशन हो जाना अब्राहम लिंकन का। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओवरऑल थीम किस चीज़ को रखेंगे, द ब्यूटी ऑफ नेचर, द इनएबिटेबिलिटी ऑफ डेथ, द पावर ऑफ लव, या फिर द रेजिलेंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। सोचिए आंसर कीजिए। तो यहां पर जो राइट आंसर है ओवरऑल थीम का तो वो क्या है, इनएबिटेबिलिटी ऑफ डेथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इज, What is the name of the musical composition that was inspired by When Lilac Last in the Dooryard Bloomed? तो देखिए इस पर्टिकुलर वर्क से इंस्पायर होके एक म्यूजिकल कंपोजिशन लिखा गया, उसका नाम क्या था। What is the name of the musical composition that was inspired by When Lilac Last in the Dooryard Bloomed? Options are Symphony number 5, The Rite of the Spring, The Rite of the Spring, Requiem, या फिर Adagio of Strings। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। यस, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हुआ है Requiem, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 18, Which of the following lines from the poem is an example of personification? अब यहाँ पे जो lines हैं poem से ही हैं सारी lines, अब यहाँ पे पहचानना है कि कौन सी line में personification का example है। ठीक है, options are I see the silent ocean, the lilac weathering on the lawn, next is death many death I will sing, नेक्स्ट इज अर्थ दैट सॉलिड एंड लिक्विड एज इट फ्लोज। बताइए पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल बताना है। सोचिए आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अर्थ दैट सॉलिड एंड लिक्विड एज इट फ्लोज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 19 इज, अ पोएम इज कंसिडर्ड एज अ पेस्टोरल एलेजी। एक पोएम को हम कंसिडर करते हैं एक पेस्टोरल एलेजी के रूप में। व्हाट इज पेस्टोरल एलेजी, तो पेस्टोरल एलेजी एग्जैक्टली क्या है, व्हाट डज इट मीन पेस्टोरल एलेजी। ऑप्शन है A poem that mourns the loss of our loved one. Next is a poem that celebrates nature. Next is a poem that mourns the loss of a way of life. Next is a poem that celebrates the achievements of a hero. बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। सोचिए आंसर कीजिए। पेस्टोरल एलेजी,
यस, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है अ पोएम दैट मॉर्न्स द लॉस ऑफ अ वे ऑफ लाइफ. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 20. व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टार ड्रॉप्ड शैडो इन द पोएम. पोएम में स्टार ड्रॉप्ड शैडो का क्या महत्व था ये पूछा गया है. ऑप्शंस आर इट सिंबलाइजेस होप, आई रिप्रेजेंट्स अब्राहम लिंकन्स लेगेसी, इट इज़ अ सिंबल ऑफ मॉर्निंग, इट हैज नो सिग्निफिकेंट मीनिंग इन द पोएम. सोचिए, आंसर कीजिए. स्टार ड्रॉप्ड शैडो. यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा. इट रिप्रेजेंट, यहाँ पे आई ना होके इट है. ठीक है, ये ध्यान रखना. इट रिप्रेजेंट्स अब्राहम लिंकन्स लेगेसी. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 21 इज हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम. तो यहाँ में पर्टिकुलरली इस पोएम का स्पीकर कौन है. वॉल्ट विटमैन, अब्राहम लिंकन, अ हर्मिट थ्रस्ट या फिर एन अननोन नरेटर. कौन है स्पीकर इस पोएम का. पोएम का नाम तो आपको पता ही है, व्हेन लिलाक लास्ट इन द डोरियार्ड ब्लूम. तो इसका स्पीकर कौन है. वॉल्ट विटमैन है, अब्राहम लिंकन है, अ हर्मिट थ्रस्ट है. हर्मिट थ्रस्ट किसे कहा जा रहा था, अ बर्ड को, ध्यान रखना है. एन अननोन नरेटर है. तो क्या होगा इसका राइट आंसर. यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है वॉल्ट विटमैन. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज इन द पोएम व्हाट डज द मॉर्निंग डव सिंबलाइज. तो इस पोएम में मॉर्निंग डव जो ये पर्टिकुलर वर्ड है इसका मीनिंग क्या है. सोचिए, आंसर कीजिए. यह क्या सिंबलाइज करता है मॉर्निंग डव्स. ऑप्शन है पीस, मॉर्निंग, लव, जॉय. तो यहाँ पे मीनिंग नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे सिंबलिज्म पूछा जा रहा है कि किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है. पीस, मॉर्निंग, लव या जॉय. तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है मॉर्निंग. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, 23. The poem was written during which historical period? तो ये जो poem थी when lilac last to the dooryard bloomed, ये पहली बार कब लिखी गई थी. During which historical period? Options are the American Revolution, the Civil War, World War First या फिर the Great Depression. Yes. What should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है सिविल वार. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सिविल वार. नेक्स्ट इज 24th. द नाइट इन साइलेंस अंडर मैनी अ स्टार. फाइंड आउट द लिटरेसी डिवाइस. लिटरेसी डिवाइस यहाँ पर फाइंड आउट करनी इस लाइन से. द नाइट इन साइलेंस अंडर मैनी अ स्टार. ऑप्शंस आर एलिट्रेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल. क्या हुआ इसका राइट आंसर. यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है. देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे द नाइट इन साइलेंस अंडर मैनी अ स्टार. तो नाइट के लिए पर्सोनिफाई कर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है पर्सोनिफिकेशन. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हर्मिट थ्रस्ट सॉन्ग इन द पोएम. तो हर्मिट थ्रस्ट का जो सॉन्ग है उसका क्या महत्व है पोएम में. इट रिप्रेजेंट्स होप, इट इज़ अ सिंबल ऑफ मॉर्निंग, इट रिप्रेजेंट द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट मीनिंग इन द पोएम. बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर. सोचिए, आंसर कीजिए.
यस, यहाँ पर भी राइट आंसर क्या होगा, इट रिप्रेजेंट्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 26th. What is the significance of the western orb in the poem? बताइए इस पोएम में वेस्टर्न ऑफ की क्या का क्या महत्व था. ऑप्शन आर इट सिंबलाइजेज होप, इट रिप्रेजेंट्स अब्राहम लिंकन्स डेथ, इट इज़ अ सिंबल ऑफ मॉर्निंग, इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट मीनिंग इन द पोएम. बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर. वेस्टर्न ऑर्ब, वेस्टर्न ऑर्ब का क्या महत्व है. यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है इससे वो है इट रिप्रेजेंट्स अब्राहम लिंकन्स डेथ. सोचिए आंसर कीजिए. यस, इसका जो राइट आंसर वो है इट रिप्रेजेंट्स अब्राहम लिंकन्स डेथ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. 27 is when was the poem published? तो ये जो poem है when lilac last the dooryard bloomed, ये publish कब होती है. Options are 1855, 1865, 1875, 1865. ये 2 times आ गया है, यहाँ पे कर लीजिए 1885. सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर. ये poem कब publish कराई जाती है. यस, 1865, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 28, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम. तो इनमें से पोएम का स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए तो कैसी है, फ्री वर्स, सोनेट, बैलेड या एपिक. सोचिए आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर. यस, इसका जो राइट आंसर है वो है फ्री वर्स. ठीक है, किस फॉर्मेशन में लिखी गई है तो आपको ध्यान रखना है फ्री वर्स. नेक्स्ट इज 29, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेगमेंट पाइंस इन द पोएम. तो इसका क्या महत्व है फ्रेगमेंट पाइंस का. ऑप्शंस आर मतलब फ्रेगमेंट पाइंस जो है वो क्या सिग्निफाई करता है या क्या महत्व है. ऑप्शन है दे सिंबलाइजेस होप, दे रिप्रेजेंट्स अब्राहम लिंकन्स लेगेसी, दे आर अ सिंबल ऑफ मॉर्निंग, दे हैव नो सिग्निफिकेंट मीनिंग इन द पोएम. बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर. सोचिए आंसर कीजिए. यस, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है दे आर द सिंबल ऑफ मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. फ्रेगमेंट पाइंस भी क्या है, ये सब दुख व्यक्त करने वाले सिंबल्स हैं, सिंबल ऑफ मॉर्निंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इन द पोएम व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिलाक. तो पोएम में लिलाक जो वर्ड है इसका महत्व क्या है, इसका पर्टिकुलरली क्या मीनिंग होगा. They symbolize hope. They represent the end of life. They are a symbol of mourning. Yet they have no significant meanings in the poem. Yes, what should be the right answer? यस, यहाँ पर जो राइट आंसर वो है दे आर अ सिंबल ऑफ मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा. ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू.